की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के सपने देखने वाले, मेरे नौजवान विद्यार्थी साथियों, आपका जुनून, आपका जोश, आपका संकल्प, आप सबके सामूहिक प्रयास निश्चित रूप से हम नए भारत के संकल्प को भी पूरा करेंगे और स्वर्णिम भारत के सपनों को भी पूरा करेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम आजादी के 75 वर्ष हमने पूरे किए हैं। और इस 75 वर्ष में भारत ने नए आयाम छुए हैं। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी सृजनशीलता, उनके नए वैज्ञानिक इनोवेशन कारण दुनिया के अंदर भारत ने अपना स्थान बनाया है। जब हम आजादी के 75 वर्ष को याद कर रहे हैं, तम उस कालखंड को भी याद करेंगे जब इस आजादी को प्राप्त करने के लिए आप जैसे नौजवानों ने उस समय देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, और उस पीढ़ी के नौजवान में एक जज्बा था आजादी को प्राप्त करने का, एक संकल्प था आजादी को प्राप्त करने का, और उन्होंने अंग्रेजों शासन से, उनके जुल्म हत्याचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और हमें आजादी मिली। और इसीलिए आज हम उन सभी शहीदों, उन बलिदान करने वाले उस पीढ़ी के लोगों को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और उनका अतीत, उनका इतिहास भारत के लिए संघर्ष की, उनकी गौरव संघर्ष यात्रा हम सबको नया स्मरण देती है, नई शक्ति देती है, नई प्रेरणा देती है। आज वक्त आया है फिर से कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से देश में नए संकल्प लें, सामूहिक रूप से सपने को सोचें और उन सामूहिक रूप से उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। जो मैं आपके आंखों में जो देख रहा हूं, जो देश के प्रति आपका समर्पण, निष्ठा, तप और समर्पण को देख रहा हूं, मुझे आशा है आप
आपके कठिन परिश्रम से, कठिन प्रतिबद्धता से हम नए भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। साथियों, आज भी दुनिया के अंदर भारत का नौजवान अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, हमारा भारत का IITian डॉक्टर, अन्य प्रोफेशनल उन देशों के विकास में भी भारत के नौजवानों का योगदान है। हमारी जो पीढ़ी आई है, इस पीढ़ी में अद्भुत क्षमता है, कठोर परिश्रम करने की ऊर्जा है, और हमें आज यही संकल्प लेना है कि हम यहां पर शिक्षा प्राप्त करने आए, शिक्षा के बाद अपने करियर की शुरुआत करने आए, लेकिन हम अपने अथक और कठोर परिश्रम से जहां अपने करियर को भी बनाएंगे, वहां भारत के नवनिर्माण के सपनों को भी पूरा करेंगे। इसलिए आप लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। जब हम आजादी के अमृत काल के 25 वर्ष बाद जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो हम आजादी प्राप्त करने वाले उन दीवानों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। उन्होंने सपना देखा था कि दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में गौरवशाली हो, हर क्षेत्र में आगे हो, और ये सपने आप पूरा करेंगे तो आप लोग पूरा करेंगे। इसलिए मैं आपके बीच में एक ही आग्रह कर रहा हूं, एक ही निवेदन करने आया हूं कि आपके परिवार ने बड़ी आकांक्षाओं से, बड़ी अपेक्षाओं के साथ आपको यहां पर भेजा है। IITian परिवार भी हमेशा कोशिश करता है कि यहां पर पढ़ने वाले बच्चे का एक अद्भुत टैलेंट हो, वह कठोर परिश्रम करे, कठोर मेहनत करे। आज हमें किसी के खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, आज हमें अपने आप से लड़ना है, अपने आप से संघर्ष करना है कि मैं अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकता हूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कठोर परिश्रम करके इस देश के सपनों को पूरा कर सकता हूं। इसलिए आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है, और इस कठोर परिश्रम में कभी हार पराजय कभी हम सफल असफलता हमारे मन को कभी रोक नहीं सकती। अच्छा योद्धा वह होता है जो बार बार युद्ध लड़ता है। अच्छा लड़ाकू, अच्छा संघर्षशील व्यक्तित्व होता है जो हर कंपटीशन में, हर संघर्ष में अपनी नई अद्भुत क्षमता ऊर्जा से फिर से संघर्ष करता है। जो परीक्षा में पास ही नहीं बैठेगा, परीक्षा में नहीं बैठेगा, वह कैसे परीक्षा के अनुभवों को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें बार बार हमें कठोर परिश्रम करके हम ही हैं, और मैं ही दुनिया को, भारत को परिवर्तन करूंगा, मेरे में ही अद्भुत क्षमता है, मेरी आंतरिक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर भारत माता का मस्तक भी ऊंचा करूंगा और मेरे परिवार का गौरव बढ़ाने का भी काम करूंगा। और इसीलिए मुझे आशा है IITian परिवार एक आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का केंद्र है, जहां अच्छी शिक्षा भी दी जाती है, अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। हम
हमारी संस्कृति संरक्षित रहे, हम अच्छे संस्कार विचारों से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। केवल शिक्षा प्राप्त करना और अपना करियर बनाना ही अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस करियर के साथ मैं मेरी संस्कृति और संस्कारों को भी जीवित रखूं और उसके साथ मैं देश के अंदर भी अपना योगदान दे सकूं, इसी संकल्प के साथ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुझे आशा है ये 25 साल का आपका अमृतकाल निश्चित रूप से एक अद्भुत भारत के लिए अद्भुत नया सपना होगा और उस सपना को पूरा करने की हमारी काम ये नौजवान पीढ़ी करेगी। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपने अभी आपके बीच के बच्चों के टैलेंट को देखा है, चाहे योग में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे संस्कृति के अंदर हो, चाहे वाक्पटुता के अंदर हो, चाहे अपनी अलग अलग प्रस्तुति के अंदर हो, वो टैलेंट आपके बीच में से ही है। इसलिए आपको यही प्रयास करना चाहिए कि मेरे में ही टैलेंट है और मेरे आंतरिक शक्ति का सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग कर नए भारत का निर्माण करूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं ये सभी बच्चे जो जिन्होंने प्रोग्राम दिया था वो गर्ल्स स्टेज पे आ जाएं और एक बार हमारे माननीय अध्यक्ष जी के साथ